मनाली पेट्रो कैप ने पिछले 1 साल के अंदर 40%, पिछले 5 सालों के अंदर 309% रिटर्न निकाल दिया। क्या आपको इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या स्टॉक यहाँ से भी डेवलप हो सकता है? क्या इसके फंडामेंटल है, क्या इसका टेक्निकल है? सब कुछ पोस्टमार्टम करेंगे हम वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा अंत तक। इस कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी। ये पीओ यानी प्रोपिलीन ऑक्साइड, पीजी प्रोपिलीन ग्लोक्साइड, पीवाई यानी प्रोपिलीन पॉलीलाइसिस बनाती है। ये इंडिया की पहली और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है प्रोपिलीन ऑक्साइड की, और भारत की एकमात्र कंपनी है जो प्रोपिलीन ग्लोक्लाइन बनाती है। तो ये तो है कंपनी के बारे में बात। तो चलिए हम चलते हैं सीधा से फंडामेंटल के ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना पता ही है, वीडियो का भी लाइक ठोककर चलो सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि हमारा टारगेट है इस मंथ के अंदर आप 10,000 सब्सक्राइबर करवाई देंगे। केवल 8,200 और बचे हैं, जल्दी से करवा दीजिए। मनाली पेट्रोकैप के ऊपर आप लोगों का एकदम बहुत भयंकर तरीके से कमेंट आ रहा था, खास करके हमारे प्रिय सब्सक्राइबर गोविंद जी का, जो पिछले कई समय से हमारे साथ जुड़े हुए, लगभग वो हर वीडियो के ऊपर अपना सपोर्ट करते ही करते हैं। उनका कमेंट था मनाली पेट्रोकैप के ऊपर कब हमें बाय करना चाहिए और क्या स्टॉक और क्या क्या टारगेट के अंदर हो सकते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते उधर। जब तक के लिए गोविंद जी को थैंक यू, ऐसा ही सपोर्ट बनाकर रखिएगा। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो करंट प्राइस 98 रुपए के आसपास चल रहा है, मार्केट कैप 1681 करोड़ रुपए का है, आरओसी 4 का और आरओई केवल 2 रुपए का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज भी 18 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब वैल्यूएशन टाइप देखा जाए तो कंपनी कोई इतना खास काम नहीं कर रही है। तो चलिए इसका पीएनएल और क्वार्टर रिजल्ट हम एक बार और देख लेते हैं। यदि आप इसका हिस्टोरिकल पी देखें तो मार्च 2023 से केवल 5-7-8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज वही ये लगभग 72 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब वहां से लगभग 10 गुनी महंगी वैल्यूएशन के ऊपर। इसकी सेल्स आप देखेंगे 14 क्वार्टर पहले मार्च 2021 में 365 करोड़ की थी, आज वहां से घटकर भी 256 करोड़ हो गए, 100 करोड़ वहां से भी कम है। प्रॉफिट की बात करें 34 करोड़ था, आज केवल 17 करोड़ के आसपास बचा, मतलब प्रॉफिट भी हाफ हो गया 14 क्वार्टर के अंदर। जब इसका पीएनएल देखते हैं तो पिछले 6 सालों में सेल्स डबल हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 70 करोड़ था 2016 में, आज केवल 33 करोड़, 50% हो चुका है। पिछले साल की तुलना में भी इनका प्रॉफिट हाफ हो चुका है। यदि हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में केवल 5% प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -19% पिछले 5 सालों के अंदर। इस स्टॉक फिर भी 34% शेयर के हिसाब से बढ़ा है, और आरओआई की बात करें तो केवल 18 की यहाँ पर देखने को मिल रही है। कि बैलेंस शीट हम देखते हैं तो इसके बैलेंस शीट के अंदर हमें बोरोइंग्स लगभग 103 करोड़ रुपए के दिखाई दे रहे हैं, टोटल एसेट 1308 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ा स्टेक की बात करें तो है रिटेलर्स का यानी पब्लिक का, दूसरा बड़ा स्टेक आता है इसके अंदर प्रमोटर का। प्रमोटर यहाँ पर बहुत सारे हैं जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। FIS अपनी होल्डिंग 2% से 1% पर लेकर गई, और DIS के पास यहाँ पर कोई होल्डिंग है ही नहीं, 0.07 है, नेग्लिजेंट हम इसको कर सकते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल की वैल्यूएशन पर देखा जाए तो कंपनी ने कुछ खास काम काज किया नहीं है, ना इनके सेल्स कहते पते हैं, ना प्रॉफिट का मुंह देख पा रहे सही साथ। प्रॉफिट है लेकिन इतना कुछ खास नहीं, इतना ज्यादा एक्सपेंस है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा हो चुकी है इसके फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। तो इसका टेक्निकल और हम देखते हैं क्या चार्ट के ऊपर कैसा दिख रहा है। जब इसका चार्ट देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा जब भी ये अपना लाइव हाई मारता है, हाल ही में 31 मई को इसने अपना लाइव हाई 83 रुपए का मारा था, उसके बाद ये रिकवर होकर 70 रुपए तक गया, उसके बाद इसने अपना लाइव हाई दूसरा मारा 100 रुपए का, 100 रुपए के बाद 104 रुपए तक गया, वहां से 86 रुपए के आसपास आ सकता है। लेकिन आप इसके अंदर 80 से 85 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। 80 से 85 रुपए के आसपास आता है तो उसके बाद आपको 90, 100 या 120 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म में अभी जब तक अपने सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर काम कंपनी नहीं करती जब तक के लिए इसका मामला डागम डोली रहने वाला है। तो क्या आपने भी मनाली पेट्रोकैप को बाय कर रखा है, बाय करने का सोच रहे हो, एक बार अपनी सर्च अच्छे से करना, उसके बाद इसके अंदर निवेश करना, क्योंकि ऐसे स्टॉक के अंदर आपका पैसा एकदम ब्लॉक हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देता हूं, यदि आप भी ब्रोकर देख एकदम परेशान हो चुके हो या फिर आपके ब्रोकर ऐप में बार बार ग्लिच आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कीजिए, ग्लिच फ्री होने के साथ साथ जीरो ब्रोकरेज का आनंद भी उठाइए। इसके लिए केवल 1999 पे कीजिए और पूरे साल भर की ब्रोकरेज एकदम फ्री। और यदि आप हमारा रेफर कोड P28 यूज करते हैं तो आपको 1999 की जगह मिलेगा केवल 999 में 50% फ्लैट डिस्काउंट, रेफर कोड याद रखिएगा P28। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा।